हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर एंजॉयिंग योर लर्निंग। आप लोग अपनी लर्निंग को एंजॉय कर रहे होंगे। बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको इंग्लिश पढ़ाया जा रहा है और आप लोग लगातार इंग्लिश पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं इन ग्रामर क्लासेस में, इन इंग्लिश क्लासेस में। इस समय हम लोग वर्ड्स के बारे में, जितने शब्द हैं उनके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। हमने अब तक पढ़ा सिनोनिम्स के बारे में, एंटोनिम्स के बारे में, कलेक्टिंग वर्ड्स जो होते हैं उनके बारे में। आज हम पढ़ेंगे होमोनिम्स के बारे में। होमोनिम्स ये दो शब्दों से मिलकर बना है, होमो प्लस निम। होमो का मतलब होता है सेम, सेम, और निम का मतलब होता है नेम, सेम नेम। यानी जो नेम सेम होता है लेकिन उसका जो मीनिंग होता है, मीनिंग उसकी डिफरेंट होती है, मीनिंग उसकी अलग होती है। नेम सेम होता है, प्रोनाउंसिएशन सेम होता है, लेकिन जो अर्थ देता है उस शब्द, वो अलग अर्थ देता है। जैसे एड्रेस, एड्रेस में ए डबल डी आर ई डबल एस, एड्रेस। अब इसमें एड्रेस में देखिए, एड्रेस मीन्स पता होता है, एड्रेस मीन्स संबोधित करना भी होता है। जैसे मैं संबोधित कर रहा हूं, आई एम एड्रेसिंग। उसके घर का पता क्या है? What is the address of his house? तो address की spelling same है, pronunciation same है, लेकिन meaning अलग अलग है। तो ऐसे शब्द को homonym कहा जाता है कि pronunciation भी same, spelling भी same, लेकिन उसका अर्थ अलग अलग है। ऐसे शब्दों को homonyms कहते हैं। कुछ और होमोनिम्स हम देखते हैं। बैंक, बैंक में आप पैसे क्यों रखते हैं, रुपए रखते हैं, उसे बैंक कहते हैं। और नदी का जो किनारा होता है उसे भी बैंक कहते हैं, रिवर बैंक। नदी के किनारे को रिवर बैंक कहते हैं। तो देखिए, बैंक सेम प्रोनंसिएशन, सेम स्पेलिंग, लेकिन अर्थ अलग अलग। तो बैंक यहां पे होमोनिम हुआ क्योंकि एक ही शब्द के दो मीनिंग्स हैं। फ्लाई, एफ एल वाई, फ्लाई, फ्लाई मीन्स उड़ना। मैं आसमान में उड़ता हूं, आई फ्लाई इन द स्काई। और जो घर की मक्खी होती है, हाउस फ्लाई या फ्लाई उसे भी कहते हैं, एफ एल वाई, फ्लाई। बैंड, बी ए एन डी, बैंड, बैंड मीन्स बंधन भी होता है। जो लड़कियां हेयर बैंड लगाती हैं उसे भी बैंड कहते हैं। और बैंड म्यूजिक भी होता है, रॉक बैंड, रॉक म्यूजिक। तो बैंड के भी कई सारे अर्थ होते हैं, इसीलिए बैंड होमोनिम है। यानी जिस वर्ड के एक से ज्यादा मीनिंग्स हैं उसको आप होमोनिम कह सकते हैं। मैच, मैच यानी कि मैच, जैसे क्रिकेट मैच, हॉकी मैच, फुटबॉल मैच। और एक मैच का मतलब होता है मैच करना, मिलान करना। ए ग्रुप को बी ग्रुप से मैच करो, तो मैच का मतलब मैच करना, मिलान करना। और एक मैच खेल से संबंधित है उसे भी मैच कहते हैं। मीन, एम ई ए एन, मीन, मीन का एक अर्थ होता है अर्थ, और एक मीन का अर्थ होता है बहुत ही छोटी सोच वाले लोगों को भी मीन कहते हैं, मीन माइंडेड। तो मीन का एक अर्थ निगेटिव में है और मीन का एक अर्थ अर्थ है, मीन यानी मीनिंग। रिंग, रिंग मतलब घेरा। चलो एक रिंग में बैठ जाओ,
यानी ये घेरे में बैठ जाओ। तो मीन का मतलब, सॉरी, रिंग का मतलब घेरा, और एक रिंग का मतलब अंगूठी होता है। प्लीज गिव मी अ रिंग, कृपया मुझे अंगूठी दो। तो एक रिंग अंगूठी और एक रिंग घेरा। रॉक, रॉक मीन्स चट्टान, पत्थर। पत्थर को, चट्टान को रॉक कहते हैं। और एक रॉक म्यूजिक है, पश्चिमी संगीत को भी रॉक म्यूजिक कहते हैं। तो रॉक यहां पे होमोनिम है। टाई, टी आई टाई, ये टाई है। और एक टाई बांधना, टाई टू रोप्स, दो रस्सियों को बांध दो। तो टाई वहां पे रस्सी को बांधने को भी टाई कहते हैं, और एक टाई जो हम गले में पहनते हैं। और एक मैच भी टाई हो जाता है। क्रिकेट मैच में यदि दोनों टीमों ने 200 रन बनाया तो क्रिकेट मैच टाई हो गया, उसकी स्पेलिंग भी टी आई टाई। तो देखिए टाई के तीन अर्थ निकल गए, प्रोनाउंसिएशन सेम है, स्पेलिंग सेम है, लेकिन अर्थ अलग हो गए, तो टाई होमोनिम हुआ। बैट, बैट यानी बल्ला, क्रिकेट में जो बैट होता है उसे बैट कहते हैं, और चमगादड़ को भी बैट कहते हैं। तो बैट के दो अर्थ निकल रहे हैं, तो बैट यहां पे होमोनिम है। राइट, आर आई जी एस टी, एक राइट का मतलब होता है ठीक, और एक राइट का मतलब होता है दाएं। गो अहेड राइट, और एक राइट, दिस इज राइट, यह ठीक है, दिस इज राइट। और हमें राइट साइड नहीं चलना चाहिए, वी शुड नॉट वॉक टूवर्ड्स राइट। तो एक राइट का अर्थ है दाया, और एक राइट का अर्थ है सही। रोज, आर ओ एस ई रोज, रोज मीन्स गुलाब, और एक रोज का मतलब है उठा। राइज का सेकेंड फॉर्म रोज, राइज मीन्स उठना, रोज मीन्स उठा। तो रोज के दो मीनिंग हुए, एक रोज गुलाब और एक रोज उठा। वेल, डब्ल्यू ई डबल एल, वेल, वेल मीन्स कुआं भी होता है जहां से पानी भरा जाता है, और एक वेल मीन्स अच्छा। गेट वेल सून, तुम अच्छे, तुम जल्दी से अच्छे हो जाओ, गेट वेल सून। तो यहां पे वेल होमोनिम है। क्लिप, सी एल आई पी, क्लिप, जो मूवी के छोटे छोटे पार्ट होते हैं, पिक्चर के छोटे छोटे पार्ट होते हैं फिल्म के, उसे क्लिप कहते हैं। और एक क्लिप होता है जो महिलाएं बाल में लगाती हैं, उसे भी क्लिप कहते हैं। और एक क्लिप वो होता है जिसपे हम कोई चीज बांध के रख देते हैं। तो क्लिप भी होमोनिम है, क्योंकि इसके एक से अधिक अर्थ हैं। डेट, डी ए टी ई, डेट यानी खजूर, खजूर जो हम खाते हैं। और एक डेट यानी तिथि, दिनांक, जैसे आज कितनी तारीख है, आज कितनी डेट है। तो डेट के भी दो अर्थ हैं, इसलिए डेट होमोनिम है। ड्रॉप, डी आर ओ पी, ड्रॉप, ड्रॉप मीन्स बूंद, पानी की बूंद को, या किसी भी लिक्विड के बूंद को ड्रॉप कहते हैं। और एक ड्रॉप मीन्स गिरना, वो ऊपर से ड्रॉप हो गया, ऊपर से गिर गया, तो वो भी ड्रॉप है, गिर गया। तो ड्रॉप यहां पे होमोनिम हुआ। लेटर, लेटर मीन्स होता है पत्र, एल ई डबल टी ई आर, लेटर यानी पत्र। और एक लेटर, अल्फाबेट लेटर, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, वर्णमाला, वर्णमाला को भी लेटर कहते हैं। पार्क, पार्क यानी मैदान, जहां बच्चे खेलते हैं पार्क में, उसे मैदान कहते हैं, पार्क कहते हैं। और जहां पे लोग अपनी गाड़ियों को पार्क करते हैं, रखते हैं, उसे भी पार्क कहते हैं। गाड़ियों के रखने को, खड़ा करने के स्थान को भी पार्क कहा जाता है। रूलर, आर यू एल ई आर, रूलर यानी शासक, किंग। और जो स्केल होता है उसे भी रूलर कहते हैं, स्केल को, इंच को। लेफ्ट, एल ई एफ टी, लेफ्ट, लेफ्ट मीन्स बायां,
बाएं पैर को या बाएं हाथ को लेफ्ट हैंड लेफ्ट लेग कहते हैं, और एक लेफ्ट छोड़ दिया, लीव का सेकेंड फॉर्म लेफ्ट, एक लेफ्ट बाया और एक लेफ्ट छोड़ दिया, तो इसे भी होमोनिम कहेंगे लेफ्ट को। और भी बहुत सारे होमोनिम हैं, ऐसे शब्दों को आप डिस्कवर कीजिए अपने बुक में से, लिखिए कॉपी में और इसे याद कीजिए। ये होमोनिम एग्जाम्स में जरूर आते हैं, आपको निश्चित रूप से हर एग्जाम्स के लिए होमोनिम, होमोफोन्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इन सब चीजों का नॉलेज होना चाहिए। तो जितने भी मैंने लिखे हुए हैं, जो मैंने आपको बताया होमोनिम, उसे आप कॉपी पे नोट करें, ग्रामर कॉपी पे नोट करें और उसे याद करें, और कुछ नए होमोनिम वर्ड्स को भी लिखें और उसकी मीनिंग्स को याद करें।